हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी मोहन प्रधान और आज हम बनाएंगे वेजिटेबल कोफ्ता। वेजिटेबल कोफ्ते में हमने डाला है ढेर सारी विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, बेसिक फूड, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और फुल ऑफ प्रोटीन है ये। तो एक तरह से कहें तो कंप्लीट फूड है जिसे आप खा सकते हैं राइस के साथ, पास्ता के साथ, पराठे के साथ। तो चलिए देखें इसे कैसे बनाते हैं। वेजिटेबल कोफ्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट लिया है वो फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च है उसमें, विटामिन्स हैं, ट्रेस मिनरल्स हैं, आयरन है, आपको हर चीज़ यहाँ पे कैल्शियम मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉर्न से। हमने बिल्कुल लोकल कॉर्न लिया है जो फार्मर मार्केट में मिलता है, हमारे सब्जी वाले के यहाँ मिल जाता है। लोकल कॉर्न है, वन पीस, स्मॉल पीस है, इट मीन्स 30 ग्राम के करीब इसमें से कॉर्न सेपरेट हो पाएगा। तो कॉर्न लिया है, प्लस हमने प्लम टोमेटो लिया है, 3 प्लम टोमेटो। ग्रेवी हमें थिक चाहिए इसलिए, और ये ग्रेवी को लिटिल बिट स्वीटन भी करेगा। तो 3 प्लम टोमेटो है, ये होगा 100 ग्राम के करीब। 1 शिमला मिर्च है, ये ग्रीन पेपर, स्मॉल ग्रीन पेपर लिया है। 2 बटन मशरूम लिया है, ये साइज़ तो बटन मशरूम का नहीं है लेकिन रेगुलर मशरूम जो मिलती है यहाँ पे वही है, बटन मशरूम लिया है। 3-4 पीसेस ऑफ ग्रीन चिली, ये बाकी आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है आप कितना चिली हॉट खाना चाहते हैं। 1 इंच जिंजर, 1 कैरेट, अनियन, असलॉट लिया है यहाँ पे, 5 पीसेस ऑफ असलॉट। लेमन लिया है, 1 लेमन। ये है हमारा कोरिएंडर स्टेम, कोरिएंडर स्टेम लिया है, ये कोफ्ता बनाने के काम भी आएगा। काफ़ी हाई फ्लेवर होता है स्टेम में, इसलिए स्टेम को जब कुकिंग में लेते हैं तो काफ़ी फ्लेवर रिलीज करता है ये। तो ये कोरिएंडर स्टेम है। 1 पॉड ऑफ गार्लिक है इसमें, जितना एक गट्ठर में आता है वो हमने पील करके रखा हुआ है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था गार्लिक कैसे पील होती है इजीली, तो वो पील कर लिया हमने। यहाँ पे हमने 4-5 स्टिक लिया है फ्रेंच बीन का, ये कट करके रखा हुआ। एक्चुअली मैंने कल सब्जी बनाई थी तो थोड़ा सा मैंने बचा कर रख लिया था, तो वो ये कल का कटा हुआ है। तो ये हमने लिया है, बीन है फ्रेंच बीन, और ये है बॉयल्ड प्लस बेक्ड पोटैटो है। पहले मैंने इसको पारबॉयल कर लिया था, पारबॉयल का मतलब होता है इट मींस 60% मैंने बॉयल कर लिया था, देन इसको एल्युमिनियम फॉइल में रैप करके गैस चूल्हे के ऊपर रखा था। नॉर्मली फॉइल बहुत हीट होता है, रेड हो जाता है, इस वजह से ये बर्न होता है और इसकी वाटर इसी के अंदर रह जाती है। तो ये बॉयल्ड प्लस बेक्ड पोटैटो, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये हमने 5 पीसेस लिया है इसके बाइंडिंग के लिए, ऑप्शनल। अगर इतनी वेजिटेबल बाइंड नहीं हो पाती है तो हम ले सकते हैं चिकपी पी फ्लावर, इट मीन्स बेसन, और या फिर राइस फ्लावर, चावल का आटा, या फिर कॉर्न स्टार्च। सबसे ज़्यादा जो हेल्दी होता है वो चिकपी फ्लावर होता है क्योंकि वो बेसन है, वो फुल ऑफ प्रोटीन होता है। बट चिकपी फ्लावर में जितना प्रोटीन होता है उससे कहीं ज़्यादा प्रोटीन हमारा सोयाबीन चंक्स में मिलता है। ये जो ग्रैनुल्स है इसमें सोयाबीन, चाहे आटा हो या बरी हो या फिर सोयाबीन का कोई भी प्रोडक्ट खाइए, आप टोफू खाइए, उसमें बहुत प्रोटीन होता है। इतना प्रोटीन होता है जितना एक श्रिम्प में नहीं होता है, आप नॉनवेज में सबसे ज़्यादा मान सकते हैं, सबसे ज़्यादा बीफ में होता है जो हम इंडियंस नहीं खाते हैं। बट लेकिन आप श्रिम्प खाते हैं जिसे आप चिंगड़ी मछली भी कहते हैं, प्रॉन भी कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फिशेज में प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन अगर आप वेज हैं तो आप सबसे ज़्यादा लकी हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर किसी चीज़ में पाई जाती है तो वो है सोयाबीन। तो सबसे हाईली प्रोटीन फूड यही होता है जो वेट रिड्यूस में भी मदद करता है। इसकी डीमेरिट सिर्फ इतनी है कि ये कॉन्स्टिपेशन बहुत इजीली क्रिएट करता है क्योंकि ये बहुत गर्म होता है पेट के लिए। तो जब भी आप सोयाबीन खाएं, आपको मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप पाइनएप्पल ज़रूर खाएं क्योंकि वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बहुत हाई करता है। या फिर अगर आपको कोकोनट वाटर मिलता है, नारियल का पानी मिल जाता है, तो आप वो कंज्यूम करें। ताकि ऐसे ट्रॉपिकल फ्रूट खाते हैं जब आप या जूस पीते हैं तो अब वो आपके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बहुत हाई कर देती है। तो सोयाबीन या हाई प्रोटीन फिश जो होती है, फिश या फिर बीफ जैसी कोई भी चीज़ें अगर आप खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है। तो चलिए फिर हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम सोयाबीन में थोड़ा सा पानी डालेंगे, हॉट वाटर डालेंगे, इसको सोक कर लेंगे। ये 10-15 मिनट सोक रहेगा ताकि एक्सपैंड हो पाए और इजीली ये कुक हो पाए। तो अभी इसको मैं 10-15 मिनट्स के लिए रख देती हूँ, एंड देन कॉर्न को पील करके उसे दाने अलग कर लेती हूँ।
ग्रीन पेपर। ग्रीन पेपर का हमेशा थ्रेड निकाल देना चाहिए क्योंकि इस थ्रेड में जलन बहुत होती है। ग्रीन पेपर तीखा नहीं होता बट ये इसका जो थ्रेड होता है इससे अल्सर होने का बहुत बड़ा खतरा होता है, तो इसलिए ग्रीन पेपर का ये थ्रेड हमेशा सेपरेट कर देना चाहिए। मशरूम, जिंजर, ये मैंने 8-9 पीसेस ऑफ गार्लिक ले लिया है। कोरिएंडर स्टेम हाफ कोफ्ता बनाने के काम आएगा और हाफ करी लगाऊंगी, करी तो ये कोफ्ता के लिए रख लिया हमने। करी के लिए फाइनली चॉप करना होगा बिकॉज ये तड़के में जाएगा टेम्परिंग में। कैरेट, शैलॉट, स्मॉल अनियन, ये ग्रीन बीन्स एंड सम कॉर्न। कॉर्न सारा नहीं लेंगे, ये हमने 50 ग्राम ऑफ कॉर्न लिया। ये कॉर्न क्वालिटी अच्छी थी तो ज़्यादा इसमें सेपरेट हो गया तो हमने इतना ले लिया। अब इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंडर में ग्राइंड करते समय एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब इसको ग्राइंड कर रहे हो तो 1, 2, 3, 4, 5 बटन दबा दबा के चलाना है ताकि ये फाइनली चॉप्ड हो ना कि पेस्ट बने। तो हम इसे कर लेते हैं। ये हम पहले हमने जिंजर गार्लिक एंड अनियन को चला लिया है, इसको अच्छी तरह से चला लिया बिकॉज इनका फाइन होना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट था, तो इसको चला लिया। अब इसी के ऊपर बाकी सारी चीज़ें मैं डालूंगी। जिनके पास फूड प्रोसेसर है उनके लिए ये इजी है क्योंकि उनके पास चॉपर होता है, बट जिनके पास सिंपल मिक्सी है उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो बाकी की वेजिटेबल मैं इसमें डाल देती हूँ। ये पूरी तरह से पेस्ट नहीं हुआ है, ये फाइनली चॉप हो गया। इतना चॉप हम नाइफ से नहीं कर सकते थे तो इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है हमने। ये हमने सोयाबीन ग्रैनुल्स जो पानी में सोक करके रखा था वो हमने स्ट्रेन कर लिया है। प्लस अब इसके ऊपर हम पोटैटो ग्रेट करेंगे, जो बेक पोटैटो है ये इसको बाइंड करेगा। वन टेबलस्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च, और ये बढ़ घट भी सकता है अगर इसकी बाइंडिंग। वन टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1/4 teaspoon ऑफ क्यूमिन सीड, दिस इज क्यूमिन सीड पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन सीड पाउडर, लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला, 5 spices, ये होममेड गरम मसाला है, ये ज़्यादा नहीं डालेंगे। एंड टैंगीनेस के लिए अमचूर, 1/4 teaspoon ऑफ ड्राई मैंगो पाउडर, और इसको मिक्स करेंगे। फिर इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी इसको चेक करने के लिए मैं बॉल्स बनाकर देख लूँगी क्या ये बॉल बन जाते हैं। हाँ, ये बॉल बन रहे हैं, ये टाइट नहीं है पर बॉल्स बन रहे हैं। तो जब ये फ्राई होंगे तो ये बाइंड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ बॉइल्ड पोटैटो एंड कॉर्न स्टार्च। तो मैं ये बॉइल बना लेती हूँ सारे को। हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं, अब इसे फ्राई करना है तो हम तेल गरम कर लेते हैं। मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल गरम करके इसे फ्राई करूँगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये अनहेल्दी बने, इसीलिए मैं इसे ऑलिव ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको फ्राई करना है हेल्दी ऑयल तो पीनट ऑयल लीजिए, मस्टर्ड ऑयल लीजिए या ऑलिव ऑयल लीजिए, और किसी ऑयल में मत फ्राई कीजिए। जितने भी मार्केट में आते हैं सोयाबीन ऑयल और जितने भी वो हाईली प्रेस्ड ऑयल होते हैं वो हेल्दी नहीं होते। तो हम इसको फ्राई कर लेते हैं। हमने ऑलिव ऑयल गरम कर लिया है, ये काफ़ी गरम हो गया है।
ये ध्यान रखेंगे कि हम कोफ्ता काफ़ी गर्म तेल में डालेंगे, क्योंकि हमें डबल टाइम इसको फ्राई करना है। जब बहुत तेज़ ऑयल होता है तब डालेंगे तो ये सील हो जाएगा। कोफ्ता बॉल्स फ्राई हो गए हैं, इसे मैंने हाई फ्लेम पर ही फ्राई किया क्योंकि इसमें अंदर कुछ कच्चा ऐसा था नहीं जो नहीं पकता। तो ये फ्राई हो गए हैं अच्छी तरह से। अब इसे जो जो फ्राई हो गए वो हम निकाल लेंगे। ये हमने दो तीन फ्राई किया, फाइनल जो हमारे कोफ्ते बने थे उसको मैंने रैप कर दिया ड्राई कॉर्न फ्लावर में, और उसके बाद मैंने बना के देखा तो ये कुछ इस टाइप के बने हैं। ये काफ़ी हार्ड है, मैंने एक दो टेस्ट करके भी देखा है, क्रंची है। ये आप वैसे भी खा सकते हैं बिना ग्रेवी बनाए। तो अब हम इसका ग्रेवी तैयार कर लेते हैं कोफ्ते का। करी बनाने के लिए मैंने वही ऑलिव ऑयल जिसमें मैंने कोफ्ता फ्राई किया था वही ले रही हूँ। क्यूमिन सीड, पेपरकॉर्न, इनिशियली हल्दी ऐड करेंगे थोड़ा सा, टर्मरिक से स्प्लैशिंग नहीं होती है। इसमें डालेंगे पेस्ट, जिंजर गार्लिक, अनियन पेस्ट, अनियन गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट ऑयल रिलीज करने लगा। इसमें मैं कोरिएंडर स्टेम, चॉप्ड कोरिएंडर स्टेम ऐड कर दूंगी ताकि ये रिलीज ऑयल में ईजिली फ्राई हो जाए और अपना फ्लेवर रिलीज कर दे। 2 मिनट्स के लिए फ्राई करूँगी। आफ्टर 2 मिनट्स चॉप्ड टमाटो ऐड कर दूँगी और इसको भी थोड़ा सा लिटिल बिट पकने दूँगी, और इसी समय सारे मसाले भी ऐड कर दूँगी जितने भी मसाले डालने हैं। तो गरम मसाला 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, ड्राई मैंगो पाउडर 1/2 टीस्पून, एंड फॉर कलर कैरामलाइजेशन एंड लिटिल बिट टेस्ट 1 टीस्पून ऑफ शुगर। अब इसमें मुझे वाटर ऐड करना है, तो ये वाटर मैंने जो लिया है ये जार वॉश करके लिया है क्योंकि इसमें काफ़ी फ्लेवर होता है तो मैंने इसको वेस्ट नहीं करना चाहती थी। ये इंडियन लेमन है, देखिए ये ओनली 1 टेबल स्पून जूस इसमें से आया, लेकिन ये काफ़ी काफ़ी खट्टा है, काफ़ी सॉरी है, तो ये मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। टैंगिनेस के लिए मैंने 3 चीज़ ऐड किया है, टमाटो, लेमन जूस एंड ड्राई मैंगो पाउडर। स्पाइसीनेस के लिए मैंने ऐड किया ग्रीन चिली पेस्ट, रेड चिली पाउडर, और थोड़ी सी स्वीटनेस के लिए मैंने ऐड किया शुगर। तो ये काफ़ी टैंगी भी होगा, स्पाइसी भी होगा बिकॉज ऑफ गरम मसाला एंड ऑल, एंड ग्रीन चिली एंड रेड चिली, और प्लस थोड़ा सा लिटिल बिट स्वीटन भी होगा बिकॉज मैंने इसमें चीनी ऐड किया है। तो ये फ्लेवर, काफ़ी सारे फ्लेवर रिलीज करके काफ़ी टेस्टी बनेगा। तो ये हमारा ग्रेवी रेडी हो गया है, अब हीट ऑफ कर दूंगी। एक चीज़ ध्यान रखना है, जब हम बनाते हैं कॉर्न ऐड करते हैं और हम ऐड करते हैं अगर सोया चंक्स, तो जो कबाब होता है काफ़ी डेलिकेट होता है, तो अगर अभी इसको ग्रेवी में मैं सॉल्व करूँगी, डालूँगी और बॉईल कर दूँगी तो ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ये। तो इसलिए जब हम सर्व करेंगे तो ग्रेवी को गर्म करेंगे, जिस बाउल में सर्व करना है उसमें पहले कबाब सेट कर लेंगे, देन ऊपर से ग्रेवी पोर कर देंगे, और जो भी प्रेजेंटेशन के लिए, गार्निशिंग के लिए हमें कोरिएंडर लीफ या फिर डाइस जिंजर और टमाटो जो भी ऊपर से ऐड करना है वो ऐड करेंगे। तो फिर चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। अब मैं कोफ्ते की प्लेटिंग कर लूँगी। इसके ऊपर ग्रेवी डालेंगे। मैंने इसमें ग्रेवी थोड़ी ज्यादा डाल दी थी तो वो थोड़ा सा खराब लगने लगा था, तो मैंने इसको चारों तरफ से क्लीन कर दिया ताकि ये प्रेजेंटेबल लगे।
अब इसमें मैं गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा चिली डाल रही हूँ। ये रेड चिली है, रेड ऑरेंज बनाना चिली है। ग्रीन चिली जब लिटिल बिट राइप हो जाती है तो ये इस कलर की हो जाती है, तो ये मैं डेकोरेशन के लिए डाल रही हूँ। एंड देन लिटिल बिट ऑफ कोरिएंडर लीफ, मैं हाथ से ही टियर कर रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर बना रहे। और ये हमारा कोफ्ता तैयार हो गया, वेजिटेबल कोफ्ता जो फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, विटामिन है, मिनरल्स है, आयरन है, प्रोटीन है, फॉस्फोरस है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट मैंने कॉर्न के रूप में लिया, स्टार्च है पोटैटो, एंड फुल ऑफ प्रोटीन सोयाबीन में मैंने बताया आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, गिव इट अ लिटिल ट्राई कि एक बेनिफिशियल करी खाने पे हेल्थ बेनिफिट भी है और आप एक बहुत अच्छा टेस्ट का मज़ा भी ले सकते हैं। इसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न अगर आपके मन में चल रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, अगर आप वीडियो बना सकते हैं तो बनाइए और मुझे सेंड कीजिए, अगर मुझे वो अच्छा लगेगा तो मैं अपने चैनल पे उसे ज़रूर टेलीकास्ट करूँगी, दिखाऊँगी। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट रेसिपी पर, तब तक के लिए बाय।